हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एंड मूवमेंट चैनल पर हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज में यह हमारा ट्वेंटी फोर्थ लेक्चर है इसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन एम से पढ़ेंगे तो बने रहें इंजीनियरिंग एंड मूवमेंट चैनल पर इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन एम से पहला क्वेश्चन है दोस्तों वाई मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस डन दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू एस्टिमेट मेजरमेंट क्वालिटी तीसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पार्ट्स इन मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस वी शुड मेजर अ लॉट टू एज योर बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ये तीनों क्वेश्चन हमारे वीडियोस में हैं दोस्तों आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट्स कैन बी डेजिग्नेशन डेजिग्नेटेड एज स्क्रैप पार्ट्स इन मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस तो जो अपर स्पैक लिमिट और लोअर स्पैक लिमिट के बाहर के पार्ट्स होते हैं उनको हम स्क्रैप पार्ट्स कह सकते हैं पांचवा क्वेश्चन है हाउ इज गेज एरर एर टू बिजनेस प्रोसेस छठा क्वेश्चन है वाई शुड वी रिड्यूस गेज एरर सातवा क्वेश्चन है टेल अ मेथड टू ब्रेन स्टॉम इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन ऑन द ऑब्जर्व डेटा वैल्यूज आठवा क्वेश्चन है डू एम एस ए फोकसेज ऑन द प्रोसेस अलॉन्ग विद द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस नौवा क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंपेयर सेंसिटिविटी ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट दसवा क्वेश्चन है व्हाट इज एडिक्वेट सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गुड मेजरमेंट सिस्टम ग्यारहवा क्वेश्चन है वॉट आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजरमेंट सिस्टम बारहवा क्वेश्चन है वॉट इज प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ लीनियरिटी स्टडी एक्सप्लेन इन डिटेल ये भी हमारे वीडियोज में हैं सारे क्वेश्चन थर्टींथ क्वेश्चन है विच स्टडी इज यूज टू चेक मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर फोर्टींथ है वॉट आर टू स्टडीज टू एनालाइज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन फिफ्टींथ है वॉट आर स्टडीज डन टू चेक कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिक्सटी क्वेश्चन है हाउ ऑफ मेजरमेंट सिस्टम इज एनालाइज बाई एम ये भी चारों क्वेश्चन ये भी फोर क्वेश्चन हमारे जो हैं वीडियोज में हैं दोस्तों इनके आंसर्स इनके आंसर्स मिल जाएंगे आपको हमारे वीडियोस में सेवेंटी क्वेश्चन है विच एम एस स्टडीज आर डन टू एनालाइज डिस्क्रीट डेटा एटीन है विच एम एस ए स्टडीज आर एनालाइज टू एनालाइज एट्रीब्यूट डेटा नाइनटीन क्वेश्चन है कैन रिपीटेबिलिटी बी लेस देन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इफ थ्री अप्रेजर्स आर यूज ट्वेंटियथ क्वेश्चन है व्हाट इज रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन तो नाइनटीन क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको वीडियोस में तो मैं ये बता देता हूँ रिपीटेबिलिटी और रीप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों ही इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं ये अप्रेजर पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं दोस्तों रिपीटिबिलिटी जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो वेरिएबिलिटी होती है मेजरिंग प्रोसेस में वो है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो ऑपरेटर वजह से वेरेबिलिटी होती है मेजरिंग प्रोसेस में वो है तो ये दोनों ही स्टडी अप्रेजर पे डिपेंड नहीं करती हैं और इनडिपेंडेंट है ये एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती हैं ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट एक्शन विल यू टेक इफ एनडीसी वेरिएबल गेज आर एंड आर स्टडी इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है विच स्टडी शुड बी डन फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ये भी हमारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों ये लेक्चर यहीं तक था दोस्तों आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा मैंने मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ कंप्लीट कर दी है दोस्तों यहीं तक थे सारे क्वेश्चंस और यहीं तक सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं पर जो हमारी प्लेलिस्ट है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की दोस्तों उसमें मैं और भी वीडियोस ला सकता हूं जो जो भी केस स्टडी मुझे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस से रिलेटेड मिलेगी या फिर कुछ नया अपडेट मिलेगा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस से जो मुझे लगेगा कि मैंने अपने लेक्चर में ऐड करना चाहिए तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा और एक चीज़ और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चनस के आंसर आपको सही से नहीं मिले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और मैं इनके लिए उस क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो दोस्तों ये हमारा जो इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल है ये ग्रुप है बेसिकली और इसमें हमारा ये फोकस है कि हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दें और आपके कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करें तो आप जो भी डाउट्स हैं आपके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे और मैं चाहता हूं कि ये जो सेशन है इंट्रक्टिव रहे काफ़ी तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पे एंड तीन चीज़ें ना भूलें दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना थैंक यू